अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है विधानसभा चुनावों को लेकर। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जिला कलेक्टर और एसपी ने हरियाणा बॉर्डर्स का निरीक्षण किया है। बॉर्डर से सटी चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर इलाकों के मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया है। पिलौद और पीपली चेक पोस्ट पर विशेष निगरानी की जा रही है और आबकारी चौकी को भी हरियाणा से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो हरियाणा से किसी भी तरीके की कोई अवैध गतिविधि ना हो, बॉर्डर एरियाज में पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। झुंझुनू से सटे बॉर्डर एरियाज में जांच पड़ताल लगातार जारी है। झुंझुनू से सटे बॉर्डर एरिया हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बिल्कुल एक्शन मोड पे हैं और जिला कलेक्टर और एसपी ने निर्देश दिए हैं। हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुजीत, बॉर्डर एरियाज पर किस तरीके की गतिविधि देखने को मिल रही है, पुलिस किस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन वो अलग मोड पर आ गए हैं। जिला कलेक्टर और एसपी ने हरियाणा बॉर्डर का निरीक्षण किया है और बॉर्डर से सटे चेक पोस्टों पर कड़ी निगरानी से उन्होंने निर्देश दिए थे कि बॉर्डर से सटे होने के कारण वहां पर तस्करी, हजारों और मादक पदार्थों की जो सप्लाई है वो राजस्थान में ना हो, इसको लेकर भी सख्त निर्देश दिए। और साथ ही उनका कहना है कि जो हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के बदमाश है वो राजस्थान में ना प्रवेश कर सके, इसको लेकर उन्होंने हरियाणा के सटे इलाकों के अंदर दौरा किया। साथ ही साथ सिलोद और पीपली जो चेक पोस्ट है वहां पर भी विशेष निगरानी रखने के उन्होंने दिशा निर्देश दिए। जी शुक्रिया सुजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, बॉर्डर से सटी चेक पोस्टों पर कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं। कोई भी अवैध गतिविधि हरियाणा और राजस्थान के बीच ना हो, इसकी निगरानी लगातार हो रही है। तो चुनावों के मद्देनजर पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि चुनावों में होने वाली अवैध गतिविधियों की जो संभावनाएं हैं उन पर पुलिस पूर्ण विराम लगाए और इसीलिए पुलिस ने पहले से ही कमर कस ली है। चेक पोस्टों पर पुलिस द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि बॉर्डर एरियाज में नाकेबंदी के दौरान पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर है।